सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं बोट नेक डिज़ाइन। दोस्तों, ये डिज़ाइन जो हम आपको सिखाएंगे, ये आप फ्रंट गले में भी बना सकते हैं और बैक गले में भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे, आप उस गले में इसको बना सकते हैं। और ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे अमीना बुटीक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं उसके लिए देखिए, हमारी कमीज है फ्रंट वाला हिस्सा, हम फ्रंट में डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। रेड कलर हम पाइपिंग में यूज़ करेंगे और ये वाला हम पैच में लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, ये पेपर पेस्टिंग भी यूज़ होगी इसके अंदर। तो देखिए, पेपर पेस्टिंग को भी हमने हल्की प्रेस से पहले साफ़ कर लिया था, जिससे कि जो भी झोल होगी वो हट जाएगी। अब इस पेपर पेस्टिंग को हम इस तरीके से करेंगे। आप यह चौड़ी ले सकते हैं, क्योंकि बोट नेक में जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं इसमें काफ़ी चौड़ी चाहिए होगी। आप इसे हल्की हल्की प्रेस लगा लें, जिससे कि क्रीज बन के आ जाए आपकी। ज़्यादा गर्म ना लगाएं, जिससे कि आपस में चिपक जाए। इतनी गर्म प्रेस ना लगाएं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। हल्की हल्की गर्म प्रेस लगा के जब ये क्रीज बन जाएगी आपकी, तो देखिए ऊपर की साइड से आपको बोट नेक का गले की कटिंग करनी है। कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसे देखिए फुट्टे से सीधा करेंगे। हमारे गले का जो ब्रॉड है वो 4.5 इंच है। ये देखिए 4.5 पे हम निशान लगाएंगे, और 3.5 या 4 इंच हम डीप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3.5 डीप लेंगे, और देखिए आप इसको इस तरीके से इस तरह ड्राइंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से तकरीबन आपको 8.5 इंच तक एक निशान लगाना है। अब आपको ये बोट नेक कटिंग करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सीधे वाले हिस्से को कटिंग करेंगे, फिर ये निशान लगाए से कटिंग कर लें। दोस्तों, ये कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से तकरीबन 1.5-2 इंच का निशान लगाएंगे चौक से। ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कटिंग करते हैं इसको। ये हमारा कटिंग हो चुका है गला, ठीक है। अब इसे इस तरीके से आप खोलेंगे, देखिए आपका हल्का हल्का चिपका हुआ है, जिससे आप गले को एक बराबर कटिंग कर सकते हैं। अगर आप गर्म प्रेस से चिपकाएंगे नहीं, तो ये आपका गला जो है फलक जाएगा और कोई भी सेव अच्छी तरीके से नहीं बैठेगी। तो आप इसे देखिए खोल लें। इस चीज़ का ध्यान रखना, गर्म प्रेस आपको इतनी ज़्यादा भी गर्म नहीं लगानी कि इसकी पेस्टिंग आपस में चिपक जाए और गला ख़राब हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो भी सेंटर की क्रीज है, आप इस सेंटर वाली क्रीज पे इस तरीके से देखिए चौक का निशान लगा लें, क्योंकि इसका भी काम पड़ेगा। ये देखिए सेंटर हो गया। तो चलिए अब हम जो पैच हमारे लिए पैच के लिए जो कपड़ा था, हम वो कपड़ा लेंगे और इस कपड़े पे इसे चिपकाएंगे। इसके लिए हम पहले से प्रेस से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप प्रेस से जब इसे कपड़े को साफ़ कर लेंगे, फिर आप अपना जो पेस्टिंग से गला आपने कटिंग करा था, आप उसे इस तरीके से देखिए प्रेस से चिपका लेंगे पेपर पेस्टिंग को पूरे को। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमने चिपकाने के बाद ऊपर से बराबर कटिंग कर लिए और इतना इतना कपड़ा हमने छोड़ा है साइड में। अब ये कैसे बनेगा, चलिए मशीन पे हम आपको बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाया है नीचे की तरफ, देखिए हमारा रेड धागा है, हम इसे पहले यहाँ पर कच्चा कर लेंगे इस यहाँ पर सिलाई मार के, जिससे हमारा सेंटर वाला हिस्सा जो है उठ के आ जाएगा दूसरी तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारी सिलाई का निशान आपको दिख रहा है, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। अब हमें ये पलटना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कपड़ा इस तरीके से रखेंगे और ये कोने फिनिशिंग से पलटने के लिए आप इसको इस तरीके से रखेंगे। ये निशान जो हमने लगाए हैं, आपको यहाँ से देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से ऐसे यहाँ पर करने के बाद आप यहाँ पर सिलाई लगा के लाएँ कोने पर बारीक सिलाई, और यहाँ उतार देंगे। और यहाँ उतारने का दोस्तों, आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे। तो जैसे हमने इधर करा है, दूसरी साइड में भी आप सेम पहले एक कपड़ा नीचे रख के कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दूसरी तरफ भी नीचे कपड़ा लगा के कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो साइड में हमारा कपड़ा था, आप इसको इस तरीके से पेस्टिंग के बराबर से पलट के एक पैर का मार्जिन लेके
आप यहाँ पे कच्चा करेंगे पूरे इसको, और जो हमने यहाँ पे कट लगाया था किस तरीके से करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जब यहाँ पर आएंगे आप तो आप इसको इस तरीके से पलट लेंगे कपड़े को, और ये देखिए आपका यहाँ पे फिनिशिंग से बैठ गया, और आप इसको इस तरीके से सब सेट करेंगे, और ये देखिए आप इसको ऐसे खींच के, और जो भी है आप इसको इस तरीके से पलट लेंगे, सिलाई लगा लें, फिर इसको फिनिशिंग के साथ आप इसे पूरा कर देंगे। जो भी फालतू कपड़ा होगा आप यहाँ से इस तरीके से इसे रख के कैंची कटिंग करेंगे, जब कटिंग होगा तो आप दूसरी तरफ से देखेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग में जो है हमारा ये हिस्सा पलट के आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस साइड से भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जो नोक बनाएंगे दोस्तों वो किस तरीके से बनेगी, पहले आपको इस तरीके से करना है, फिर आप इसको ऐसे करेंगे, तो ये देखिए कपड़ा भी बाहर नहीं जाएगा और आपकी नोक जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे हल्का कच्चा करते हुए बिल्कुल सेम पलट लेंगे जैसे हमने ये वाला हिस्सा पलटा था। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से आप इसको पलट लें। उसके लिए रेड कपड़ा लिया है हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम किनारी को दोस्तों कटिंग कर देते हैं, क्योंकि किनारी में अक्सर अल्टर आ जाती है, झोल बढ़ जाती है, तो हम इसे कटिंग कर देंगे। फिर जो हमारा कपड़ा है सीधा उल्टा देखने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देखिए। और इसे फोल्ड करने के बाद आप इसे एक पैर से कच्चा करेंगे, और आप इसका धागा भी देख सकते हैं, नीले कलर के धागे से हम कच्चा कर रहे हैं इसे। उसका दोस्तों आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए हमें पट्टी लेनी है 1/4 इंच की, तो हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ से भी हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे इतना। अब दोस्तों देखिए जो हमने पट्टी पलटी है, अगर आपका बड़ी है तो आपको ये नापने की ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे तक जहाँ लगानी है सिर्फ आपको यहाँ से इस तरीके से नापना है। ये हमारा आ रहा है 1/10 इंच पे, तो हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ से नापेंगे 1/10 इंच। तो ये देखिए दोस्तों हम यहाँ पे 1/10 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमारा सेंटर तो ऑलरेडी है, जो सिलाई लगी हमारा ये सेंटर है, तो हम देखिए इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए ऊपर से इसे ऐसे रखेंगे और इसे यहाँ पे सिलाई करेंगे पक्की। आपको यहाँ से बिल्कुल सेंटर मिलाते हुए जाना गले के यहाँ से, तो आप इसे बिल्कुल सेंटर एकदम मिला लें, और मिलाते हुए आप इस पर सिलाई लगाते हुए लाएंगे। और देखिए दोस्तों 1/10 के आसपास हैं, तो आपको तकरीबन इतना कटिंग करना होगा। ये मैं बताता हूँ क्यों कटिंग करना है, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसका तावीज़ बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों तावीज़ बनाने के लिए आप पहले इसको ऐसे पलटेंगे सीधा, फिर आप इसको इस तरीके से कर देंगे, और ऐसे करने का तो आप देखेंगे ये हमारा निशान के पास जो है इसका तावीज़ बन के आ रहा है। और आपको इसकी नोक भी ध्यान रखनी है कि सेंटर में मिले और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम इसकी पहले नोक बना लेते हैं ढंग से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए हमने ये पट्टी लगा ली है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हमने पाइपिंग ली है, ये पहले हमने बना ली डोरी वाली पाइपिंग। अगर आप ये पाइपिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो आप जो आई बटन पर लिंक है आप इस पर क्लिक करके ये बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप क्या करेंगे, ये देखिए हमने नीचे अंदर की तरफ कच्चा रखा है। ये क्यों कच्चा रखा हम आपको बताते हैं, ये जो साइड वाली सिलाई है हम इस पर इस तरीके से पाइपिंग को रखेंगे, और यहाँ पर एक सिंगल सिलाई मारते हुए इस पाइपिंग को हम लगाएंगे। तो देखिए जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम आपको इसी तरीके से लगानी है। आप देखिए इसे मिला लें, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इसको सिलाई लगाते चले आएँ, और फिनिशिंग के साथ इससे पाइपिंग को आप लगा सकते हैं। और जब दोस्तों ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं हल्का चौक का निशान लगा रहा हूँ, तो आप इसको इतना फालतू कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने का दोस्तों एक पाइपिंग को आप इस तरीके से यहाँ से रखेंगे जहाँ से आपकी गले की सेप जाएगी इस तरीके से, और इसको आप लगाना स्टार्ट करें। देखिए यहाँ लग गया हिस्सा आपका। अब आप यहाँ वाली पाइपिंग को भी बिल्कुल बराबर से मिला के सिलाई लगा लें। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरे में पाइपिंग लगा लेंगे, तो हम आपको बताते हैं पाइपिंग लगा के आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों ये हमने इस तरीके से जो है पाइपिंग लगा ली है। अब आपको पाइपिंग लगाने के बाद क्या करना है,
ये जो हमने कच्चा ये जितना भी करा था, ये वाला सेंटर वाला और ये पट्टी के ऊपर, इस सब कच्चे को हम खोलेंगे, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों जब आप इस पूरे गले को यहाँ से रखने का पलट लेंगे, जैसे हम अपने हर गले को पलटते हैं, आप गोलाई में कट लगाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे आप सीधी तरफ देखिए इस तरीके से पलटेंगे। आप जो ये गला बनाएंगे आपको उल्टी तरफ से सीधी तरफ पलटना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर हमें क्या करना होगा दोस्तों, आप इसे देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और एक पैर की गैपिंग के हिसाब से आप सिलाई लगाएंगे, और वो भी कच्ची सिलाई लगाएंगे जो बाद में हमें खोलनी पड़ेगी। तो चलिए हम इस गले पर पूरे पर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से पूरे गले में कच्चा लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए सेंटर में कच्चा लगाएंगे, जिससे कि हम अपने पैच को जमा पाएंगे। ये देखिए आपको ये जो क्रीज की सिलाई है, आप क्रीज की सिलाई से आप इसको पूरे को सेंटर को मिलाएंगे और इसे पकड़ के यहाँ पे कच्चा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने सेंटर में जो कच्चा लगाया है, इससे हमारा पैच नहीं हिलेगा। ये देखिए उल्टी तरफ से भी आप देख सकते हैं, और जो हमारी पाइपिंग थी कच्ची वो अंदर ही चली जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मिला के किनारे पे सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई, और आप इसे कपड़े को सेट करते हुए पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे किनारे पे, जिससे हमारा ये पैच जम जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे भी इससे सिलाई लगा के पूरे पैच को जमा लिया है। हम अभी आपको दिखाते हैं उसी उल्टी तरफ से, ये देखिए, और फिनिशिंग के साथ आप इसे जमा सकते हैं, इसलिए हमने सेंटर में सिलाई लगाई थी। अब आपको क्या करना है, अब एक पाइपिंग हम इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन आपको दूसरी तरफ से कपड़ा मोड़ना होगा। यह कपड़ा क्यों मोड़ना होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए आपको गले पर इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर आप इस पर सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाते हुए बिल्कुल आराम से आप इस पूरे गले पे पाइपिंग लगाएंगे, जैसे हमने दूसरी तरफ लगाई थी, ये देखिए। और दोस्तों जब आप आएंगे रेड धागे के पास, तो आपको क्या करना है, पहले ये देखिए आप इसको यहाँ पे पक्का कर दें। पक्का करने के बाद आप इसे हटा देंगे, आप इसे बिल्कुल बराबर से लेके आएँ। बराबर से लाने के बाद आपको क्या करना है, नीले वाले धागे के पास से फिर यहाँ पर उठा के इसे पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद पूरे गले में हम पाइपिंग लगा लेंगे, जैसे हमने पहले लगाई थी। अब दोस्तों जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा था, रेड धागे से इसे सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों सिलाई लगाने के बाद आप गले का कच्चा और सेंटर वाला कच्चा खोल लेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि गला कैसा बना। तो देखिए दोस्तों हमने सेंटर में कच्चा खोल के ये वाला कच्चा भी खोल लिया है, और इस तरीके से हमारा गला बनने के बाद दिखेगा। और बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, यह है दोस्तों हमारी बैक साइड। बैक साइड में हमारी जो पट्टी थी, हम साइड से हमने मोड़ा था पाइपिंग वाली, यहाँ पे हो जाएगी आपकी तुरपाई, ठीक है। हल्के हल्के प्रेस से हमने इसको बिठाया है, और आप देखिए इस तरीके से आपका यह गला बन के आएगा, जो कि सिंपल का सिंपल और बहुत खूबसूरत, अगर आप अच्छा कंट्रास्ट में कपड़ा बनाएंगे। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये आप बैक में बना सकते हैं, फ्रंट में बना सकते हैं, मैंने बनाया ये फ्रंट में, तो आपको जैसा भी अच्छा लगे उस तरीके से बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ की कमी है, जिस कलर की कमी है उस कलर के आपको इस तरीके से तीन बटन बनाने हैं, और आपको इस तरीके से ऊपर नीचे पहले रखने, फिर उसके सेंटर में आपको इस तरीके से रखना है। तो देखिए आप खूबसूरत कितना प्यारा लगेगा ये गला, और टाइम भी कम लगेगा इसमें आपको बनाने में, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आप बनाएंगे, तो बहुत ही प्यारा ये गला आपका बन के आएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे अमीना बुटीक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।